दोस्तों, तेरी मेरी सबकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम मन की नहीं काम की बात करेंगे, यानी तेरी मेरी सबकी बात में आज हम रोजगार की बात करेंगे। युवाओं के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने जो पढ़ाई की है उनकी योग्यता के आधार पे उनको नौकरी मिले, उनको रोजी रोजगार मिले, जिसके आधार पे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, अपने समाज और देश के विकास में अपना योगदान कर सकें। और इसीलिए प्रत्येक चुनाव में रोजगार एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है। लेकिन चुनाव के पहले जो पार्टी सरकार में आती है वो रोजगार की बात करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो रोजगार के सवाल को भूल जाती है। यदि हम भाजपा के घोषणा पत्र की बात करें तो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 25 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, लेकिन यह 25 करोड़ रोजगार कब तक पैदा किया जाएगा इसका कोई डेट या इसकी कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई। मतलब ये है कि हम मंदिर बनाएंगे लेकिन डेट आपको नहीं बताएंगे। और आज की स्थिति यह है कि खुद देश के एक मंत्री कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मांगना नहीं चाहिए, उनको रोजगार देने की बात करनी चाहिए। और वो यह भी कह रहे हैं कि सरकार का काम रोजगार देना नहीं है। मतलब यह है कि आप बीमार हैं, आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर आपको यह कह रहा है कि हम आपका इलाज नहीं करेंगे, उल्टे आप हमारा इलाज कर दीजिए। अगर इस देश के अंदर सरकार का काम पैदा करना नहीं है, रोजगार पैदा करना नहीं है, तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री का काम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में घूमने का है कि अलग अलग देश में जाएं, अलग अलग राज्य में जाएं और वो फैंसी ड्रेस पहन करके अपनी भाषणबाजी करें, अपनी जुमलेबाजी करें? लेकिन जो उन्होंने कहा है, जो वादा उन्होंने जनता से किया है, क्या उसके ऊपर युवाओं का काम नहीं है कि वो उन पर सवाल खड़ा करें? और मैं समझता हूँ कि इस देश के युवा अपने काम को लेकर के, अपने आत्मसम्मान को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि काम के बात को झुठलाने के लिए आज मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान की बात की जा रही है। मैं आपके सामने वह बात याद दिलाना चाहता हूं जिसमें प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, लेकिन स्थिति यह है कि प्रत्येक वर्ष 1,35,000 रोजगार भी पैदा नहीं किया गया है। लेबर ब्यूरो के अनुसार जुलाई से लेकर के अक्टूबर के बीच में इस देश की बेरोजगारी दुगनी हुई है। वह 3% से बढ़ करके लगभग 6% हो गया है। हमारे यहाँ एक बात और भी कही जाती है कि भूखे भजन न होए गोपाला, तो पेट भरने के लिए हम कुछ ना कुछ काम जरूर करते हैं, लेकिन लेबर ब्यूरो उन लोगों को जो अपनी योग्यता के आधार पे कमतर कामों को करते हैं उसको बेरोजगार के रूप में शामिल नहीं करती है। यदि उसको छोड़ भी दिया जाए तो भी भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ी है। और बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो बड़ी बड़ी योजनाएँ सरकार के द्वारा लागू की गई है उसकी स्थिति ये है कि उस पर खर्च तो बहुत हुआ है लेकिन उससे रोजगार पैदा नहीं हुआ है। यदि हम इस बात का मूल्यांकन करें और सरकार की एक योजना को उठा करके देखें, सरकार ने एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम था स्किल इंडिया। हालांकि उस स्किल इंडिया में एस साइलेंट है और उसको पढ़ना चाहिए किल इंडिया। स्किल इंडिया के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया और उससे मात्र 17% लोगों को रोजगार मिला। मतलब 100 लोगों को स्किल बनाने की ट्रेनिंग दी गई, उसमें से मात्र 17 लोगों को रोजगार मिला। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि बाहर में जहां आप पढ़ाई करते हैं किसी विद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में, और जब आप काम के लिए बाहर निकलते हैं तो बाहर रोजगार है ही नहीं। भारत के अंदर यदि मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख से ज़्यादा इंजीनियर तैयार होते हैं, लेकिन बाहर में रोजगार की स्थिति यह है कि प्रत्येक वर्ष 1.5 लाख रोजगार भी पैदा नहीं होता है। मतलब ये है कि इस देश के जो इंजीनियर हैं उनको जब नौकरी नहीं मिल रही है तो इस देश के अंदर जो नॉन स्किल्ड लोग हैं, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, उनको नौकरियां कहां से मिलेगी? और उस बात को ही आधार बना करके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम भारत को डिजिटल करेंगे। मेक इन इंडिया कुल मिला करके यह है कि हम मेक इन इंडिया का नारा लगाएंगे, 12,000 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च करेंगे, जब भारत में काम देने की बात होगी तो हम भारत में काम किसी भारतीय कंपनी को नहीं देंगे बल्कि हम वह काम चाइना को दे देंगे। इसका दो एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ कि अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे एक यूनिटी ऑफ स्टैच्यू को बनाने की कोशिश कर रही है सरकार, वह काम लगातार हो रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने उसके लिए अनुदान दिया है, उसके लिए चंदा दिया है।
ये बहुत अच्छी बात है कि सरदार पटेल की मूर्ति बनाई जा रही है, लेकिन उस मूर्ति को बनाने के लिए किसी भारतीय कंपनी को टेंडर नहीं दिया गया है, उस कंपनी को बनाने के लिए एक चाइनीज कंपनी को टेंडर दिया गया है। और भारत के कोई भी मूर्तिकार सरकार के नज़र में योग्य नहीं है, और मेक इन इंडिया के तहत कोई इंडियन इतना योग्य नहीं है जो सरदार पटेल की मूर्ति बना सके। इसके साथ साथ नागपुर में अभी एक मेट्रो की शुरुआत की गई है, उस मेट्रो को बनाने का काम भी भारत को नहीं दिया गया है, भारत की किसी कंपनी को नहीं दिया गया है, वो चाइनीज कंपनी को दिया गया है। जब डिमोनेटाइजेशन किया गया तो सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य ये है कि हम डिजिटल करेंसी की शुरुआत करना चाहते हैं, और डिजिटल करेंसी के नाम पर पीएम ने पेटीएम का प्रचार किया। सवाल ये है कि पेटीएम में भी 40% शेयर जो है वो चाइना की कंपनी का है। स्थिति यह है कि मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया से अलग है। मेड इन इंडिया से मेक इन इंडिया अलग इस रूप में है कि किसी भी भारतीय कंपनी के साथ विदेशी कंपनी का बिना किसी समझौता का वो यहाँ पे आएंगे, अपनी कंपनी लगाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी हमको नहीं देंगे। मतलब यह है कि हम भारतीय लोग विदेशी कंपनियों के प्रोड्यूसर नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर बनकर के रह जाएंगे। शायद यही वजह है कि आज हमको इस कॉरपोरेट राज में ब्रिटिश राज की याद आ रही है कि मैनचेस्टर की कंपनियां हिंदुस्तान आती थी और यहाँ के जो सूत पैदा करने वाले, कपास पैदा करने वाले किसान थे, उनके कपास को खरीद करके इंग्लैंड ले जाती थी और वहाँ से कपड़ा तैयार करके वापस हिंदुस्तान के बाज़ार में बेचती थी। नतीजा ये था कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान का सोने का अंडा अंग्रेज़ों के पास होता था, और भारत एक अमीर देश था लेकिन भारत की जनता गरीब थी। आज फिर से उस राज की पुनरावृत्ति हो रही है। शायद इसीलिए महान अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने कहा है कि भारत ब्रिटिश राज से कॉरपोरेट राज की तरफ जा रहा है, और इस दौर में जब सरकार को इन पॉलिसियों से लड़ना चाहिए तो सरकार उनके सामने रेड कॉर्पेट बिछा रही है कि वो यहाँ आए और हिंदुस्तान की कंपनियों को लूटे, और भारत के युवाओं को रोज़गार मिलता है कि नहीं मिलता है ये उनके एजेंडे में शामिल नहीं है। ऐसे दौर में हम युवाओं के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमको काम कहाँ से मिलेगा। सरकार यह कह रही है कि जीडीपी का लगातार विकास हो रहा है, लेकिन उस जीडीपी के विकास में तीन महत्वपूर्ण सेक्टर को शामिल नहीं किया गया है, वो है एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन, जिसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार पैदा होता है। आज स्थिति यह है कि सर्विस सेक्टर के अंदर भी लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पे जो आर्थिक मंदी आई है उस आर्थिक मंदी के चलते भारत के युवाओं के पास रोज़गार नहीं है। ट्रंप जैसे नेताओं के अमेरिका जैसे देशों में जीतने के बाद वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका के बाहर के लोगों को अमेरिका में काम करने नहीं देंगे। सवाल यह है कि इस देश के अंदर यदि मोदी जी और ट्रंप जी की दोस्ती बन रही है तो उस दोस्ती से किसको फ़ायदा हो रहा है? इस देश के नौजवानों को फ़ायदा मिल रहा है या इस देश की और बाहर की जो कॉरपोरेट कंपनियाँ हैं उसको फ़ायदा मिल रहा है? इन बातों पर बहुत तसल्ली से सोचने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर के मैं ये कहूँ कि शायद आज हम नौजवानों के पास जो रोज़गार का सवाल है वो सबसे बड़ा सवाल है। ये जो स्थिति बनी है उस स्थिति से हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि हमारा देश तो बदल रहा है, देश इस रूप में बदल रहा है कि जो ब्रिटिश राज के जासूस थे आज कॉरपोरेट राज के भोपू बन चुके हैं। विकास हो रहा है लेकिन इस देश की बेरोज़गारी में विकास हो रहा है, इस देश की गरीबी में विकास हो रहा है, इस देश की महंगाई में विकास हो रहा है। ऐसे दौर में आज के विकास को यदि हम कहें तो यह जॉबलेस ग्रोथ नहीं है, यह जॉब लॉस ग्रोथ है। इसकी स्थिति यह है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो महिंद्रा हों, इन्फोसिस हों, इन तमाम कंपनियों में लगातार स्किल्ड जो उनके काम करने वाले लोग हैं उनकी छटनी की जा रही है, और यह छटनी का दौर यदि चलता रहा बेरोज़गारी एक महामारी के रूप में तब्दील हो जाएगी। और जब कोई देश का युवा किसी महामारी से जूझता है वह देश कभी भी विकसित देश नहीं बन पाता है। यदि हम इस देश को विकसित रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक शक्तिशाली देश का निर्माण करना चाहते हैं, हमें युवाओं के भविष्य का भी निर्माण करना पड़ेगा, और युवाओं के भविष्य के निर्माण से सरकार अपनी जिम्मेदारी के कंधे को नहीं झटक सकती है, क्योंकि लोग वोट देते हैं उनको काम के लिए, रोज़गार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। यदि वो काम पे काम नहीं करेंगे तो वो किस पे काम करेंगे? प्रधानमंत्री का काम इस देश के युवाओं की जो समस्या है उसको हल करना है, और इस देश के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पढ़ने लिखने के बावजूद, स्किल होने के बावजूद उनके पास रोज़गार नहीं है। इस देश के युवाओं को हर हाल में बचाना होगा, और मंदिर मस्जिद पाकिस्तान की जगह हमको काम की बात को तवज्जो देनी होगी।
तेरी मेरी सबकी बात में अगली बार हम फिर इस देश के मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।